तो हेलो दोस्तों, कार्तिक आर्यन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फ्रेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, फ्रेडी मूवी कहानी है एक ऐसे इंट्रोवर्ट डॉक्टर की जो कि एक डेंटिस्ट है और लाइफ में बिल्कुल ही अकेला है और उनकी लाइफ एकदम बोरिंग सी कट रही है। इसी के बीच उनके लाइफ में आती है एक लड़की जिनसे डॉक्टर साहब को हो जाता है प्यार। फिर आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ अराउंड 2 घंटे के आसपास है। अब बात करें कि ये मूवी कैसी है, तो ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है, स्पेशली कार्तिक आर्यन की एक्टिंग के लिए। तो आप ये मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। ये मूवी पूरी तरीके से कार्तिक आर्यन पे डिपेंड है और उन्होंने मूवी में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया तो वो थी अलाया फर्नीचर वाला, उनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग थी। साथ ही मूवी में हमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। स्पेशली कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इस कैरेक्टर की जो डिटेलिंग और डेफनेस देखने को मिलती है उसको देख के आप इससे अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे, और अगर आप एक बार इस कैरेक्टर से कनेक्ट हो गए तो आप पूरी मूवी एक साथ ही खत्म कर लोगे। इसके अलावा मूवी की सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मूवी का हर एक सीन, हर एक फ्रेम आपकी आंखों को अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूवी में सब कुछ अच्छा है। अगर बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है तो वो है इसकी स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। ऐसी स्टोरी तो हम क्राइम पेट्रोल और साउथर्न इंडिया में कई बार देख चुके हैं। अगर स्टोरी थोड़ी अच्छी होती तो हमें देखने में और भी मजा आता। इसके अलावा मूवी की जो पेसिंग थी वो मुझे थोड़ी सी स्लो लग रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं मूवी के मेकर्स की साथ देना चाहूंगा, क्योंकि मेकर्स ने ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं की बल्कि OTT पे लेके आए। आप इसे OTT पे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ओवरऑल बात करें तो मूवी अच्छी है। जो थ्रिल का पोर्शन है वो भी काफी हद तक अच्छा है, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न थे वो और भी अच्छे हो सकते थे। अगर आपने बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर मूवी देख रखी है तो आप बहुत सारे ट्विस्ट पहले ही गैस कर लोगे। तो इन्हीं सही बातों के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।